भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार 21 दिसंबर को मजबूत वापसी की। सेंसेक्स जहां 435 अंक चढ़कर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 21,250 के पार पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 4.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में जमकर खरीदारी हुई और BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों 1.5% से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी यूटिलिटी और पावर शेयरों में देखने को मिली। इसके अलावा कमोडिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, मेटल और फार्मा शेयरों के इंडेक्स भी 1% से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। कारोबार के अंत में BSE का 30 शेयर वाला इंडेक्स सेंसेक्स 435.41 अंक या 0.62% की तेजी के साथ 70,941.73 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 113.10 अंक या 0.53% बढ़कर 21,255.05 के स्तर पर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 दिसंबर को बढ़कर 354.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 20 दिसंबर को 350.19 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। BSE सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर ही आज तेजी के साथ बंद हुए। इसमें भी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.29% की तेजी रही। इसके बाद HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, NTPC और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये 1.33% से लेकर 1.76% तक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के बाकी 19 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी बजाज फाइनेंस का शेयर 1.37% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं HCL टेक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी के शेयर 0.46% से लेकर 1.04% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। 22 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि अब इंडेक्स में कंसोलिडेशन की उम्मीद है। हालांकि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक विशेष मौकों की कोई कमी नहीं होगी। ट्रेडर्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए कि उन सेक्टर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। घरेलू फैक्टर्स के अलावा अमेरिकी बाजारों की चाल हमारे बाजारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। अमेरिका से आने वाली खबरों पर नजर रखें। LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि निफ्टी ने हाल ही में अच्छी मजबूती दिखाई। 21,000 के अहम सपोर्ट से इसने जोरदार वापसी की है। ये बाजार में तेजी का ट्रेंड कायम रहने का संकेत है। निफ्टी अपने 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बंद हुआ, जो एक पॉजिटिव संकेत है। अब निफ्टी के लिए 21,000 पर तत्काल सपोर्ट और 21,300 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है।